गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाय दोस्तों, आज ये मेरा पहला ब्लॉग है, कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉगिंग करने की। ये मेरा दोस्त समीर है, हम दोनों आए हैं आज यहाँ गाजियाबाद के कौन सा पार्क है, मायावती के पार्क, मायावती का पार्क है कोई बहुत बड़ा, आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। सामने है भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, काफी बड़ी, बहुत बड़ा पार्क है ये, देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है यहाँ पर, काफी बड़ी, बहुत बड़ा पार्क और काफी साफ सुथरा ये पार्क है, शांति का अनुभव प्राप्त होता है यहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल। समीर क्या कहना चाहेंगे, आज ये मेरा पहला ब्लॉग है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप इसको हम यूट्यूब पर डालेंगे तो आप हमारे जो भी देखेंगे दो चार लोग उनको क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि आप हमारा ब्लॉग सब्सक्राइब करें, ब्लॉग की चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हम बाबा जी की मूर्ति के पास जाते हुए, शाम के समय काफ़ी भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं इस पार्क में, काफ़ी बड़ा पार्क है ये। ये देखिए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी, पहले हम अपना हेलमेट रख देते हैं जरा यहाँ साइड में। ये देखिए दोस्तों, काफी बड़ी प्रतिमा है यहाँ भीमराव अंबेडकर जी की। यहाँ पर इस पार्क में आके पूरी शांति का अनुभव प्राप्त होता है। लास्ट है पार्क का दोस्तों, काफ़ी बड़ा पार्क है, अभी तो काफ़ी बच्चे भी आए हैं, तो पूरी कोई फैमिली भी आई हुई है, जो भी मेरे गाजियाबाद के आसपास के दोस्त हैं यहाँ आते होंगे उनको पता होगा, वीकेंड के समय आते होंगे काफ़ी। संडे का दिन जो है काफ़ी अच्छा टाइम व्यतीत हो रहा है हमारा, अभी फ़िलहाल मैं अकेले ही इधर घूम रहा हूँ पार्क में, समीर उधर रील्स बना रहा है इंस्टा पे। ये देखिए पेड़ कितना सुंदर है दोस्तों, ये काफ़ी सुंदर पेड़ है, पता नहीं कौन सा पेड़ है लेकिन काफ़ी सुंदर पेड़ है। इधर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, काफ़ी बेहतरीन पार्क बना हुआ है ये। और यहाँ पे एक गुंबद जैसा पता नहीं क्या बना हुआ है, अभी देखते हैं इसको भी। दोस्तों ये गुंबद के पास भी हम आ गए हैं, इसी के थोड़ा आगे जाके मायावती जी का घर है यहाँ, जो कौन सी पार्टी की है वो, बहुजन समाजवादी पार्टी की, जो इस बार भी हारेंगी और अच्छे काफ़ी अच्छे वोटों से हारेंगी। दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं इस गुंबद के पास और यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन भी होते हुए, नहीं नहीं ये हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी उधर हैं, आपको दिखाना चाहूँगा, उसे थोड़ा दूरी बना के रख सकते तो कभी भी ये अपना गदा उठा के हमारे ऊपर वार कर सकते हैं। ये गुंबद के पास भी हम आ गए हैं, इसी के थोड़ा आगे जाके मायावती जी का घर है यहाँ, जो कौन सी पार्टी की है वो,
बहुजन समाजवादी पार्टी की, जो इस बार भी हारेंगी और अच्छे काफी अच्छे वोटों से हारेंगी। दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं इस गुंबद के पास और यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन भी होते हुए। नहीं नहीं, ये हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी उधर है, आपको दिखाना चाहूँगा, उसे थोड़ा दूर ही बना के रख सकते तो कभी भी ये अपना गदा उठा के हमारे ऊपर वार कर सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था, कोशिश करूँगा आगे भी आपको छोटी छोटी ब्लॉगिंग अपने डेली लाइफ में दिखाता रहूँ, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा मेरे को। समीर खड़े हो भाई, कुछ कहना चाहोगे आप? मुंह आपका भरा पड़ा है रजनीगंधा से। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे चैनल को।